और अभी हमने ब्रेक लिया है थोड़ा, कुछ खाने के लिए पकोड़े खाएंगे अभी हम झंकार के यहाँ के, तो चलते हैं पकोड़े खाते हैं। तो हमने ऑर्डर किया है मिक्स पकोड़े और पनीर पकोड़े यहाँ के, चाय और चाय भी। बोले चाय नहीं, मैं चाय नहीं पीता जैसा कि तो सबसे पहले हम ट्राई करने वाले हैं यहाँ के पनीर पकोड़े। काफी ज्यादा अच्छे हैं यहाँ के पनीर पकौड़े, बहुत सारा पनीर है और जिसके साथ में ग्रीन चटनी है वो भी बहुत अच्छी है। इस जगह बहुत सारे बोट थे जब हम आ रहे थे, तो पापा ने बोला ये फेमस है थोड़ा, तो ट्राई करना तो बनता था, इसलिए हम लोग आ गए। भूख कम थी फिर भी हम आ गए। नेक्स्ट हमारे आ चुके हैं मिक्स वेज पकौड़ा, दिखने में बढ़िया लग रहे हैं, चटनी के साथ खाते हैं इनको। चलो तोड़ के दिखा, काफी गर्म है, ये तो मिर्ची है, इसमें मिर्ची है, मिर्ची वाला, और इनकी ग्रीन चटनी ऑब्वियसली जो कि बहुत ज्यादा टेस्टी है। वैसे स्पाइसी ना लगे मुझे। और ये है आलू का, ये है प्याज वाला, प्याज के पकौड़े, बहुत गर्म है, टेस्टी है, और इसमें पनीर पकौड़े भी है साथ में, क्योंकि ये मिक्स वाला है तो मैं तो पनीर पकौड़े खाने वाली हूँ। क्वांटिटी काफी अच्छी है भाई, टेस्टी तो है और गर्म भी है। काफी गर्मी हो रही है बट सर मेरे को चाय की क्रेविंग हो रही है, हमें को देखना था कि यहाँ की चाय कैसी है, क्योंकि यहाँ के पकौड़े तो बहुत टेस्टी है और स्पेशली पनीर वाले, तो लेट्स सी चाय का टेस्ट कैसा है, क्योंकि स्पेशली जैसे ऑन द वे जो ढाबे और ऐसे होते हैं ना, इनकी चाय अच्छी होती है। थोड़ी गर्म है अभी तो, टेस्ट करता पता नहीं चला, और थोड़ा सा मुँह ही चल गया, और तो थोड़ा इसलिए थोड़ा सा ऐसे ठंडा होने देते हैं पहले। तो ऑलमोस्ट हम पहुंचने ही वाले हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा गेट आएगा, उसके आगे फोटो वोटो भी खिंचाएंगे, और थोड़ी थोड़ी बारिश भी आ रही है, मौसम अच्छा है, धूप बिल्कुल नहीं है, और रास्ता ढूंढने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है हमें, क्योंकि गूगल पे भी बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं कि बहुत सारे मंदिर बता रहा है वो, बट देखते इधर से बंद है यार। और यहाँ पे हो रखा है बहुत अभी तो तगड़ा जाम, क्योंकि बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत भीड़ है। और हम थक गए खा खा के, तो अब हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। अब बस यहाँ से कुछ 50 मीटर की दूरी पे है और पैदल ही जाना पड़ेगा, तो जा रहे हैं, और भीड़ बहुत ज़्यादा है। आज सैटरडे और संडे को है ना, पूरे टाइम मतलब दर्शन ओपन रहते हैं, तो इसलिए भीड़ ज़्यादा भी है। तो हम लोग फाइनली आ चुके हैं खाटू श्याम जी, और यहाँ पे बहुत क्राउड है और साथ में कीचड़ भी हो रहा है क्योंकि बारिश का मौसम है, और ये लोग फूल भी बेच रहे हैं यहाँ पे, और हम लोग दर्शन के लिए रेडी हैं और आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे हमारे साथ में, तो वीडियो में बने रहना और लेट्स गो। वैसे मैं पहले आई हुई हूँ, उसका पहले भी हमने ब्लॉग बनाया हुआ है तो आप वो देख सकते हो, बट हम वापस आए क्योंकि आते रहना चाहिए। हम एंटर हो चुके हैं और हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। तो हमने दर्शन कर लिए हैं और वैसे तो काफी अच्छे दर्शन हुए, वो बात अलग है, पुलिस वालों ने धक्के मार दिए, बस पुलिस वाले धक्के मारते हैं, और मैं ऐसे मुंह छुपाते बाहर आ रही हूँ, पर ये प्रथम को देखो ये लगवा के आ गया और कह रहा है कि वो लगाने लग गई थी, कह रहा है कि पकड़ के लगा दी
और अपनी शक्ल का देखो क्या हाल कर लिया है। काफ़ी थक चुके हैं, इतनी गर्मी है, इसलिए अब हम नींबू पानी बनवा रहे हैं। दर्शन हमने कर लिए, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छे दर्शन हुए और ऐसे टीका भी लगवाया राधे राधे का। चीयर्स। रिफ्रेशिंग है यार ऐसी गर्मी में नींबू पानी, और है भी अच्छा। यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं, यहाँ पे आप शॉपिंग भी कर सकते हो। वैसे हम तो लोकल हैं, इसलिए हमें ज़्यादा कुछ खरीदना नहीं है, बट यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी यूनिक चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि एक ये शॉप है। और आगे चलते हैं क्योंकि यहाँ पे रास्ता काफ़ी इंटरेस्टिंग है और पूरे रास्ते में काफ़ी ऐसे हलचल सी है, काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स भी मैं बोलूँगी, क्योंकि यहाँ काफ़ी मज़ा आता है। तो अब हम पहले वहाँ मेन गेट पे गए थे, यहाँ पे थोड़ी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई और वहाँ पे इंजॉय किया, और अब हम वापस पार्किंग में आ चुके हैं। इसके बाद हम जाने वाले हैं LOC पे, क्योंकि वहाँ पे हमारा थोड़ा सा शूट है, वहाँ पे शूट करके फिर हम घर पे निकलेंगे। तो चलते हैं पहले यहाँ पे LOC जो कि न्यूली ओपन हुआ है, तो लेट्स सी कि वो कैसा है, चलते हैं, लेट्स गो। तो अभी हम आ चुके हैं LOC पे, भूख लग रही थी तो यहाँ पे भी खाएंगे। और हमने बहुत सारा खाना ऑर्डर किया है, जैसे कि पिज़्ज़ा, समोसा, और इसके अलावा भी बहुत कुछ है। हम शूट भी कर रहे हैं, हमें रील बनानी है, इट इज़ अ कोलैबोरेशन, तो देखना कि हमने क्या क्या खाया है, क्योंकि सब कुछ बहुत एक्साइटिंग और टेस्टी होने वाला है। हम LOC जाते रहते हैं और यहाँ पे भी एक LOC आया था, तो ट्राई करना तो बनता था और कोलैब में था तो डेफिनेटली। तो लो कॉफ़ी में हमने बहुत कुछ खाया और हम रिकॉर्ड करना भी भूल गए इस चक्कर में। हमने इंस्टाग्राम के लिए शूट किया, अगर आपको देखना है कि क्या क्या खाया, तो उसके लिए आप हमारे शॉर्ट सेक्शन में जाके रील देख सकते हो, और यहाँ की डिटेल्स भी आपको सारी वहाँ पे मिल जाएगी। और यहाँ पे बहुत टेस्टी हमने चीज़ें खाई, जैसे कि पिज़्ज़ा, समोसा, मैगी, और क्या था, ब्राउनी विद आइसक्रीम, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये था हमारा वीकेंड पे डे आउट, जिसमें हम खाटू श्याम जी आए, हमने बहुत कुछ खाया, हमने बहुत इंजॉय किया और हमें बहुत मज़ा आया। अभी हम LOC पे, अब हम घर की तरफ जाएंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और खाटू श्याम जी आना इस रेनी सीजन में तो ज़रूर से। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, दूसरी वीडियो चेकआउट करो।